वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इस कोट के बारे में, एवरी मैन आई मीट इज माय सुपीरियर इन सम वे, इन दैट आई लर्न ऑफ हिम। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत यूजफुल और बहुत हेल्पफुल और बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को ढंग से देखना। तो इस कोट से आप समझ ही सकते हो कि मैं जिस भी इंसान से मिलूंगा वो मेरे से किसी ना किसी चीज़ में सुपीरियर है, इससे मैं उसके बारे में सीख सकता हूँ, उससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। मतलब कि मैं किसी भी इंसान से अगर मिलता हूँ ना, वो मेरे से अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में सुपीरियर महसूस करता ही है, तो उससे मैं कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। लेकिन अगर हम इस कोट को एग्जाम्पल, अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे इस कोट को अप्लाई नहीं करेंगे तो उसको कुछ हमें एग्जाम्पल्स के तौर से समझते हैं। सपोज करो मैं किसी सोशल सिचुएशन में हूँ, मैं अपने कॉलेज में, लेट्स सपोज ऑफिस में हूँ, वहाँ पे मुझे एक इंसान मिलता है जिसकी मेरे से ज़्यादा अच्छी बॉडी है, ठीक है, और मैं उससे अपने आप को कंपेयर करके सोचता हूँ कि यार इसकी बॉडी तो मुझसे ज़्यादा अच्छी है, मेरी तो कुछ है ही नहीं, और मैं तुरंत इन्फीरियर महसूस करता हूँ। फिर मैं एक इंसान से मिलता हूँ जिसके पास मेरे से अच्छी बाइक होती है, मैं सोचता हूँ यार इसकी बाइक बहुत अच्छी है, मेरे पास तो बाइक है ही नहीं, मैं अपने आप को कंपेयर कर लेता हूँ और मैं इन्फीरियर महसूस करता हूँ। फिर मेरे को एक इंसान मिलता है जो दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेल ड्रेस्ड अप है, मैं उसे सोचता हूँ कि यार ये मैं तो इतना अच्छा दिख नहीं रहा, मैं तो इतना अच्छा ड्रेसअप हुई नहीं, मैं फिर अपने आप को कंपेयर कर लेता हूँ, मैं फिर इन्फीरियर महसूस करता हूँ। ऐसी कोई इंसान मेरे से पैसे में अच्छा है, कोई बाइक में अच्छा है, मैं जब भी सोशल सिचुएशन में जाता हूँ कोई ना कोई इंसान मेरे से किसी ना किसी चीज़ में अच्छा होगा ही होगा, ये बात आप पहले ही एक्सेप्ट कर लो। और अगर मैं अपने आप को हर किसी से कंपेयर करूँगा और ये सोचूंगा मैं, मेरे पास गाड़ी इतनी अच्छी नहीं है, बाइक अच्छी नहीं है, मैं इतना अच्छा दिख नहीं रहा, मेरे पास इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, मेरे पास इसकी तरह डांसिंग स्किल्स नहीं है, इसके पास म्यूजिकल स्किल्स नहीं है, मैं इतना अच्छा बोलता नहीं हूँ, इतना अच्छा दिखता नहीं हूँ, अगर मैं अपने आप को हर किसी से कंपेयर करता रहूँगा तो होगा क्या, मैं इन्फीरियर महसूस करूँगा, मेरे अंदर सबसे पहले क्या डेवलप होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद मेरे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मैं सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करूँगा। क्यों अवॉइड करूँगा, मैं सोचूंगा यार मैं जाऊँगा वहाँ पे सब मेरे से कोई ना कोई सुपीरियर है ही, और मैं तो सबसे इन्फीरियर महसूस करूँगा, मैं शाय हो जाऊँगा, शर्माऊंगा, और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी और मैं टिमिड महसूस करूँगा, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना, ये एक चीज़ बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आपके लिए और आपकी सोशल लाइफ के लिए। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ तो अब देखना क्या डिफरेंस आएगा। पहली चीज़, अगर मेरे को कोई इंसान मिला जिसकी बॉडी अच्छी है, मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ, ठीक है, तारीफ कर दी क्योंकि भाई अच्छी बॉडी है, तारीफ कर दी, खुश हो जाएगा। दूसरा, रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। तीसरा, मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, हो सकता है वो मेरे को एक दो ऐसी टिप बता दे जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर सकूँ, ठीक है। अब मान लो किसी की गाड़ी मेरे से अच्छी है, बाइक अच्छी है, अब उससे जेलस होके एनवी होके तो कुछ होगा नहीं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे, कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, मैं अपने आप को छोटा महसूस करूँगा। लेकिन अगर मैं उसकी तारीफ कर दूँगा कि यार आपकी बाइक बहुत अच्छी है, आपकी गाड़ी सीरियसली बहुत अच्छी है, तो वो क्या होगा, इंसान खुश हो जाएगा, मेरे रिलेशनशिप उससे डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, इससे आप समझदार बनोगे, सोशल सिचुएशन में आपके अंदर आप चंट बन जाओगे, ठीक है। अब कोई इंसान मेरे से अच्छा दिख रहा है, लेट्स सपोज, तो मैं उसकी तारीफ कर सकता हूँ कि यार आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, और वो अपने आप को सुपीरियर महसूस करता है मेरे को कि मैं इससे अभिषेक से ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, तो मैंने उसकी तारीफ कर दी, वो खुश हो जाएगा, उससे मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव हो गए, और हो सकता है मेरे को एक दो चीज़ों के बारे में बता दे कि मैं अच्छा दिखने के लिए ये करता हूँ, आप भी कर सकते हो, तो उससे मेरा फायदा भी होगा। देख रहे हो आपकी ना अप्लाई करने और अप्लाई करने में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप इस कोड को अप्लाई नहीं करोगे तो। आप कभी भी सोशल सिचुएशन में जाओ, किसी पार्टी में, कॉलेज में, ऑफिस में, जिम में, पार्क में, वहाँ पे आप जिस भी इंसान से मिलोगे वो आपसे अपने आप को सुपीरियर महसूस करता है, तो डरना नहीं है। पहली चीज़, उसकी तारीफ कर दो, वो खुश हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होगे। तीसरी चीज़, आप उससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो जिससे आपका फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके अंदर इंसोरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप नहीं होगा। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है, हेल्पफुल है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो क्योंकि लोग इस बारे में सोचते नहीं है, और ये बहुत हेल्पफुल और यूज़फुल चीज़ है। मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, तो आई होप कि अगर कोई इस चीज़ से गुजर रहा है तो वो इस चीज़ से ना गुजरे और उसको ये चीज़ समझा दो। तो एवरी मैन आई मीट इज़ माई सुपीरियर इन सम वे, इन दैट आई लर्न ऑफ हिम। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल और हेल्पफुल लगी हो, अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।